नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस जैसी महामारी जो चल रही है देश में उसके मुद्दे पर, और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आइए हम आपको मिलाते हैं उनसे जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, जो आपको कोरोना वायरस जैसी महामारी देश में चल रही है इतना बड़ा मुद्दा है, तो कल 20 तारीख है, तो आप जनता जानना चाहेगी कि क्या मुद्दे पे किस मतलब कि कल क्या राहत भरी खबर हो सकती है, कि जैसा कि बताया गया था कि देश के प्रधानमंत्री के अनुसार उन्होंने घोषणा की थी कि 20 तारीख के बाद कुछ चीजों में राहत दे दी जाएगी, तो जनता जरूर जानना चाहेगी इस मुद्दे पे किन चीजों पे राहत दी जा सकती है। बिल्कुल मनीष, जैसे आपने बताया कि 20 तारीख के लिए जब लॉकडाउन 2 का ऐलान हुआ था तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 20 तारीख को हम लोग कुछ ना कुछ छूट देंगे, लेकिन अब उससे कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उस वक्त में जो आप समझिए केसेस जो हैं वो बहुत कम आ रहे थे, और जिस वक्त ऐलान हुआ था अब उस वक्त को लेके अब मेरे ख्याल से उससे दोगुने केसेस हो चुके हैं। तो बिल्कुल छूट जो 20 तारीख को मिलने वाली थी वो छूट तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो कितनी मिलेगी और क्या मिलेगी ये बड़ा मुश्किल मुद्दा है। मुझे लगता है कि छूट उतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि देश का बहुत बड़ा हिस्सा आप समझिए रेड जोन में जा चुका है, इसलिए छूट जो है वो इतनी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कुछ ना कुछ छूट का ऐलान करेगी, और ये छूट कैसी होगी ये सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उन क्षेत्रों में कितने केसेस कोरोना के आते हैं और किस तरह का वहाँ पर माहौल रहता है। क्योंकि आप समझिए कि मनीष, अभी आप पूरे उत्तर भारत में गेहूं की फसल चल रही है, तो गेहूं की फसल आप समझिए कि पूरा उस पर फोकस है किसानों का, तो इसलिए मुझे लगता है कि गेहूं की फसल के लिए कुछ ना कुछ छूट दे दी भी गई है पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से, और बाकी भी दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से 20 तारीख को छूट मिलने वाली है। हाँ, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं कोरोना के वहाँ पर छूट मिलेगी, ये बिल्कुल निश्चित है। सर जैसे कि एक और बड़ी खबर आई है कि केरला में बहुत राहतमंद खबर है, राहत भरी खबर है केरला में रहने वाले लोगों के लिए, कि वहाँ लॉकडाउन में बहुत अच्छी राहत दी गई है, लॉकडाउन को क्या कहते हैं कुछ तरीके से खोला जा रहा है, तो इस बात पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए केरला देश का वो बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी थी, लेकिन आप उस राज्य को इसका क्रेडिट बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, उस राज्य को इसका बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा कि केरला ने कितनी अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। क्योंकि कोरोना जो है वो केरला के थ्रू ही एक तरह पहला जो केस रजिस्टर्ड हुआ था वो केरला में ही हुआ था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, और वहाँ पर एक तरीके से समझिए कि उन्होंने राज्य से कोरोना का फिलहाल सफाया कर दिया है, वहाँ पर केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो एक तरह से बहुत सारी छूट दे रहे हैं, जबकि देश में महामारी मच रही है, लेकिन केरला जो है उसने पूरी तरह से कोरोना पर अभी काबू पा लिया है ये हम कह सकते हैं, इसलिए वहाँ पर एक तरह से आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला भी जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। और लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अगर इस तरह की जो केरला की स्थिति है, अगर यही स्थिति और जगह की भी रहती है और प्रदेशों की भी यही स्थिति रहती है, तो वहाँ भी लॉकडाउन में किसी ना किसी तरह की छूट अवश्य दी जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरह के केसेस आते हैं और कितने केसेस कहाँ पर किस जगह पर आ रहे हैं। अगर आप देखिए वेस्टर्न यूपी और यूपी का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड के कुछ ज़िले, तो यहाँ पर आप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर केस घटे नहीं हैं, यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो ज़िले रेड जोन में नहीं थे उनको रेड जोन में फिर दोबारा शामिल किया गया है, आज भी उत्तराखंड के कुछ ज़िले रेड जोन में लाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इसी चीज़ पे पूरा डिपेंड करेगा कि केसेस किस तरह से आते हैं और कितने आते हैं, उसके बाद ही सरकार को छूट देगी। सर जैसे कि एक आपको मतलब एक बड़ी खबर है यही है कि दुनिया भर में 22 लाख के पार कर चुका है कोरोना वायरस के मतलब संक्रमण की संख्या, और देखा जाए तो मरने वालों की मौत होने वालों की संख्या भी 1.5 लाख के पार हो चुकी है। भारत देश की बात करें तो 14,000 के लगभग कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जिसमें 500 के लगभग लोगों की मतलब इसमें जान जा चुकी है। तो इसको देखते हुए आपको लगता है कि 3 महीने के बाद भी जैसे दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि 3 महीने के बाद कोरोना वायरस से ये लॉकडाउन को खोला जा सकता है कोरोना वायरस के चलते, या फिर केरला में अगर आपने कहा जैसे कि पूरी तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, तो आपको लगता है कि 3 महीने के बाद कुछ चुनिंदा राज्यों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए 3 मई जो है, 3 मई ऐसा नहीं है कि 3 मई, ये तो एक सरकार ने एक गाइडलाइन दी थी कि हम 3 मई तक इसको बढ़ा रहे हैं,
सरकार नहीं चाहती है कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास अभी बहुत बड़ा कोई इलाज नहीं है, और सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाना भी इसका इलाज नहीं है। इसलिए सरकारों को भी समझना होगा कि सिर्फ अगर आप लॉकडाउन के भरोसे इस जंग को जीतना चाहते हैं तो ऐसा भी संभव नहीं है, आपको और बहुत सारे कोशिशें करनी होंगी, बहुत सारी स्टेप लेने होंगे। तो सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है, तो 3 मई तक तो उसको फॉलो करना ही है। बाकी जहां पर जो जो राहत सरकार 20 तारीख को देने जा रही है, तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत में राहत नहीं मिलेगी, सिर्फ राहत वहां नहीं मिलेगी जहां पर आप रेड जोन में शामिल हो गए हैं। तो सरकार राहत देने वाली है और 20 मई को बिल्कुल राहत मिलने वाली है। पहले ही वो कई सारी इंडस्ट्रीज़ को चलाने की परमिशन दे चुकी है, और हाईवेज़ के निर्माण के लिए भी आप समझिए कि हाईवे पे काम शुरू होने वाला है 20 तारीख के बाद, और जो मेडिसिन कंपनी है उनको भी आप समझिए कि काम करने की अनुमति मिल गई है, वो हेल्थ से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो सब काम कर ही रही हैं, स्टील कंपनीज जो हैं उनको भी सरकार ने इस तरीके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह बंदिश की है, लेकिन अब वो चलें कैसे उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत होती है, लेबर ऑलरेडी लॉकडाउन में फंसी हुई है, चाहे वो अपने घर पे हों या बाहर हों। तो इन हालात में अच्छा फिर उसके इतने बड़े मापदंड बना दिए गए हैं कि उनको पूरा करना किसी भी सामान्य उद्योगपति के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आसान नहीं है। तो अभी अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी तो वो नहीं आने वाली हैं। आप समझिए कि लॉकडाउन अगर 3 मई को ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी चीज़ों को पटरी पर लाने में बहुत टाइम लगने वाला है, इतनी आसानी से पहले की तरह ढर्रे पर आने वाली ज़िंदगी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ राहतें दी जा रही हैं, और कुछ राहतों की हम भविष्य में भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहतें ज़रूर मिलेंगी। सर जैसा कि एक बात और है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी वो है कि रमज़ान का महीना आने वाला है, और क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र महीना कहा जाता है। तो इसमें सर जो कोरोना वायरस जैसे चल रहा है, या मस्जिदों में के लोग कहा गया सरकार ने कि अपने घरों पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, घरों में रहकर नमाज करें, मतलब सजदा करें अल्लाह का, तो सर इसमें कोरोना वायरस के चलते आपका क्या कहना है कि रोजों के लिए रोजे रखे जा सकते हैं, रखेंगे लोग या नहीं रखेंगे, या फिर मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ी जाएगी या फिर नहीं, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल मनीष, देखिए रमज़ान का बहुत बड़ा पवित्र इस्लामिक कैलेंडर के सबसे बड़ा पवित्र महीना है, और रोज़े रखने भी चाहिए, और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझिए कि सभी मुस्लिम रोज़े रखते हैं कुछ लोगों को छोड़ के, तो ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से रोज़े नहीं रखेंगे, बल्कि कोरोना अगर महामारी है तो उसमें आप घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो रोज़े रखना आपके लिए और आसान है। तो रोज़े तो आप रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि और आपके लिए सुविधा बन रही है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, गर्मी है तो आप घर पे रह के सामान्य तरीके से रोज़ा रख सकते हैं, ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है लॉकडाउन। लेकिन रमज़ान में एक नमाज होती है, स्पेशल नमाज जो होती है तरावी की, उसको पढ़ने के लिए जैसे पहले से ही आपको पता है कि मस्जिदें कहिए बल्कि पूरे धार्मिक संस्थान जो हैं वो सब बंद हैं भारत में, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे चर्च सब लोग सब अपने मर्जी से और सरकार ने क्या के बंद कराया है। तो ऐसे नहीं है कि अब मस्जिदें नहीं खुलने वाली हैं रमज़ान में भी, बड़ी बात यह है अभी की जो स्थिति है उसमें मस्जिदों में आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं होने वाली है, तो उसके लिए कई सारे आप समझिए कि कुछ सरकारों ने भी वो जारी कर दिए हैं आदेश और कि रमज़ान में कैसे करना है, और एडवाइजरी जारी हो गई है कि जैसे कल ही कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि आप इफ्तार और सहरी जो है वो घर पर ही करें, मस्जिदों में सार्वजनिक जगहों पर इफ्तार के कार्यक्रम ना करें। उसी तरीके से दारुल उलूम जो है विश्व प्रसिद्ध एक संस्था है, उसने भी एक फतवा दिया है कि रमज़ान में आप लोग घर पर रहकर ही नमाज़ें पढ़ें, घर पर रहकर रोज़ा रखें, घर पर रहकर इफ्तार करें, घर पर रहकर ही सहरी खाएँ और भीड़ ना लगाएँ। तो फिलहाल सिचुएशन यही है कि रमज़ान में भी आपको घर पर रहना है, नमाज और तरावी जैसे आप पहले से पढ़ते आए हैं, सिर्फ घर के लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बुलाना है अभी। और अभी इसी में हम लोगों का फ़ायदा भी है क्योंकि लॉकडाउन जब तक चल रहा है और जब तक सरकार की तरफ से परमिशन ना हो तो तब तक हमें अभी बाहर नहीं निकलना है, मस्जिदों में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कि सरकार परमिशन ना दे दे, ऐसा ना हो कि जिससे कि नुकसान हो जाए। सर अगर बात करें, अभी एक बड़ी खबर आई है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की लेकर, तो वहाँ पे जो है मस्जिदों में रमजान में और नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है, इस बात पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना वायरस के बहुत केसेस आ चुके हैं, लगभग 7,500 के पार कर चुका है पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंटों का आंकड़ा, तो सर इस बात पर आपका क्या कहना है कि वहाँ की क्यों इजाज़त दे दी गई है, या फिर क्या मतलब वजह होगी जो रमजान के महीने में वहां पे इजाजत दे दी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में
जाने की जो। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान मनीष आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर सरकारों पर धार्मिक लोगों का, धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा नियंत्रण है और पाकिस्तान ने अनुमति तो बिल्कुल दी है मस्जिदों में जाने की, लेकिन वो सशर्त है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुली अनुमति दे दी गई है, कुछ शर्तों के साथ, मतलब वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, आप अगर उसे कहें तो वो कंडीशनल दी गई है कि आप मस्जिदों में जाएं लेकिन मस्जिदों को सैनिटाइज करें पहले, उसके बाद जो वहाँ पर कालीन चटाई वगैरह हैं वो सब नहीं रहेंगी, उनको सिर्फ फर्श पर ही आप नमाज पढ़ेंगे और नमाज में भी आपको जो जमात होती है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी आप बीच बीच में जगह छोड़कर दूरी बनाकर खड़े हो सकते हैं। और ये भी तब तक है कि अगर वहाँ पर कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए रमज़ान, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महीना है, तो इसलिए पाकिस्तान ने अनुमति तो दी है लेकिन वो अनुमति कंडीशनल है, उसमें आपको उसी तरीके से जाना है कि आप जो जो हुकूमत ने जो शर्तें बनाई हैं उनके लिए उनको पालन करते हुए आपको मस्जिदों में वहाँ पर पाकिस्तान में जाना है। लेकिन बिल्कुल क्लियर मैं कर देता हूँ, भारत में अभी सरकार की तरफ से बिल्कुल मनाही है, पूरी तरीके से कोई नई एडवाइजरी नहीं आई है, सीधे सीधे जैसे आप पहले से घरों में रह कर नमाज़ पढ़ रहे थे उसी तरीके से आप रह कर नमाज़ पढ़ें पाकिस्तान हिंदुस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह आपको जाने की परमिशन नहीं है, आप घर पर रह रहे हैं, रोज़ा रखें, आप सहरी करें और घर पर पूरी तरीके से रह के आप अपने रोज़ों को फॉलो करें, बल्कि ये तो और फ़ायदे की बात है कि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने का आपको वक्त दिया जा रहा है, उसमें आप ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदें और किसी तरह से भी लॉकडाउन को हर तरीके से फॉलो करें। कहीं भी हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये महीने दो महीने की बात है, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद आप पूरी तरह से मस्जिदों मंदिरों सब जगह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर पर रहें और कोरोना से लड़ाई में सरकार का साथ दें। आपने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छी खबर दी जनता को, और जैसा कि बताया सर ने, क्या कहते हैं कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि कोरोना से लड़ने का सिर्फ एक ही सहारा है, क्या कहते हैं एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तरह हम इसकी चैन को तोड़ सकते हैं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, साफ रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और देश के मतलब प्रधानमंत्री के मतलब योजना के हिसाब से और कई टीम एनजीओस के हिसाब से भी क्या कहते हैं मतलब करा जा रहा है, सैनिटाइज करे जा रहे हैं कुछ इलाके, तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर में रहें और क्या कहते हैं अपने आप को साफ रखें, जिससे कि कोरोना वायरस की चैन को तोड़ा जा सके और कोरोना वायरस को यहाँ से अपने देश से पूर्ण तरीके से खत्म करके लॉकडाउन को खोला जा सके। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में फैक्ट टू फैक्ट में आपका मतलब इतना ही का हम आपको बताएंगे और बाकी की आप तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपडेट देते रहेंगे, हम आपको देखते रहें। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, धन्यवाद।